लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे पूर्व सीएम पंडित जगन्नाथ मिश्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, जगन्नाथ मिश्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार बढ़कर रहेगा नाम की एक किताब लिखी है। किताब के विमोचन में डिप्टी सीएम सुशील मोदी पहुंचे। इसी को लेकर तेजस्वी ने सुशील मोदी को निशाने पर ले लिया है। बता दें, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की किताब बिहार बढ़कर रहेगा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जगन्नाथ मिश्र, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सुशील मोदी मौजूद थे। जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाले के एक मामले में पिछले साल लालू यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जगन्नाथ मिश्रा पर 5 लाख रुपए के जुर्माने भी लगाए गए थे। सीबीआई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से 1992 में 33 करोड़ रुपए की धोखेदारी के मामले में ये फैसला सुनाया गया था। जगन्नाथ मिश्रा फिलहाल जमानत पर है और लालू यादव रांची के जेल में बंद है। कुछ समय पहले ही लालू यादव अपनी बीमारी को लेकर रांची के अस्पताल में भर्ती हुए थे। जेल में रहने के बावजूद लालू यादव काफी सक्रिय है। वहीं आरजेडी के नेता और लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर लालू से मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने बयानों में कहा है कि सीएम पंडित जगन्नाथ मिश्र से कथित चारा घोटाले में शामिल है और फिलहाल मिंदाना में इलाज के लिए जमानत पर है। घोटाले की याचिकाकर्ता सुशील मोदी सजायाफ्ता मिश्रा जी की पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा का विमोचन कर रहे हैं। बेटा बीजेपी का उपाध्यक्ष है, बाकी सब दलित पिछड़े चोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।